प्रियंका गांधी वाड्रा ने महिलाओं के साथ बढ़ रही अपराध को लेकर चिंता जाहिर की है। उन्होंने लखनऊ में कहा कि औरतों को अपनी रक्षा करने के लिए पुरुष की हाथ से सत्ता छीननी होगी ताकि वे अपने खिलाफ हो रहे अपराध को रोक सके। बता दें कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधा। इसी के साथ ही बता दें कि प्रियंका गांधी ने हाल ही में यानी शुक्रवार 6 दिसंबर को लखनऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करने के बाद उन्होंने रात में संवाददाताओं से बात करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराध के मामले में देश का नंबर वन राज्य बन गया है। सीएम योगी को इसे आपातकाल की तरह लेना चाहिए। प्रियंका गांधी ने महिलाओं से अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस पूरी तरह से महिलाओं के हक के लिए लड़ेगी। मैं अपनी बहनों से कहना चाहती हूं कि वो पंचायत, विधानसभा और लोकसभा के चुनाव लड़े, वो घर से बाहर निकले और पुरुषों के हाथ से सत्ता छीने ताकि वो अपने खिलाफ होने वाले अपराध को रोक सके। भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उन्नाव केस में पुलिस ने अपराधियों को तब तक सुरक्षा दी जब तक उस पीड़ित का परिवार खत्म नहीं हो गया। प्रियंका ने सीएम को सुझाव देते हुए कहा कि उन्हें अपने ऑफिस में एक प्रकोष्ठ बनाना चाहिए और हर जिले के पुलिस अधीक्षक को आदेश दिया जाना चाहिए कि जो भी महिलाओं से संबंधित मामले आए उनकी सूचना सीएम ऑफिस को दे और 24 घंटे के अंदर मामला दर्ज करें। साथ ही पीड़िता को प्रशासन की तरफ सुरक्षा प्रदान की जाए। SPN 9 न्यूज रूम की रिपोर्ट।